हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए फिर से इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर हम यहाँ पे बात करेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में एक जबरदस्त कामयाबी मिली है। 300 किलोमीटर तक की रेंज की पहली गाड़ी है इंडिया में जो आ रही है, बहुत ही जबरदस्त। आज की डेट 28 जनवरी 2020 को इसकी लॉन्चिंग हो चुकी है, आज ये गाड़ी लॉन्च हो चुकी है। लेकिन मैं कहूँगा शेयर अभी बहुत सस्ता है और थोड़ा और डिस्काउंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस शेयर में, गाड़ी में नहीं, इस शेयर में थोड़ा और डिस्काउंट आप एक्सपेक्ट जरूर कर सकते हो। लेकिन ये कंपनी का मानना है कि इनको मार्केट लीडर बनना है इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में, और जिस तरीके से ये कंपनी आगे जा रही है और ऐसा लग रहा है कि हाँ आने वाले टाइम पे जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फुल फ्लेश्ड वे में इंडिया में दौड़ेंगे तो ये कंपनी मार्केट लीडर हो सकती है। डेफिनेटली दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर कट। आप भी देखिए, जरा सोचिए और आप कहोगे हाँ भाई दिख तो रहा है। चलिए देखते हैं इसके बारे में, इस छोटे से वीडियो में आज जो गाड़ी लॉन्च हुई है उसके बारे में जानते हैं, और साथ में थोड़ा सा टेक्निकल पर्सपेक्टिव से इस शेयर को देखते हैं, क्योंकि फंडामेंटल्स की में अगर आप इस शेयर को देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन टेक्निकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि कितना डिस्काउंट आपको मिल सकता है, कौन से बाइंग लेवल हो सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। साथ में अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए पहली रिक्वायरमेंट होती है डीमैट अकाउंट की, तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट जरूर ओपन कीजिए, तभी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे। ये लीजिए, मैं जिस स्टॉक की बात कर रहा हूं उसका नाम है टाटा मोटर्स लिमिटेड। 176 के आसपास का प्राइस है, धीरे धीरे देखिए थोड़ा सा और सस्ते में आ रहा है और मुझे लगता है कि थोड़ा और डिस्काउंट यहाँ पे मिल सकता है। जब मैं बात कर रहा था फंडामेंटल की तो 58,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। बाकी इस स्टॉक के फंडामेंटल मैं कहूंगा अभी के टाइम को आपको बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखेंगे, क्योंकि जैगवार एंड लैंड रोवर की वजह से इस स्टॉक की बिल्कुल वाट लगी हुई है और इसका प्राइस भी काफ़ी नीचे है। कंपनी के ऊपर उधार भी बहुत हो चुका है, इसके लिए भी कंपनी सॉल्यूशंस तलाश रही है। लेकिन यहाँ पे जो अच्छी खबर यह आई है कि आज की डेट 28 जनवरी को टाटा मोटर्स ने नेक्सन का इलेक्ट्रिक व्हीकल वर्जन जो है वो लॉन्च कर दिया है, और उसकी जो प्राइसिंग रखी गई है वो 15 से 17 लाख के आसपास तक रखी गई है। यहाँ पे प्राइसिंग 15 से 17 लाख नहीं, अगर मैं देखूँ तो उसकी प्राइसिंग ऑलमोस्ट 14 लाख की प्राइसिंग, स्टार्टिंग प्राइसिंग है 14 लाख की। और अलग अलग वर्जन इसके हैं टाटा नेक्सन इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो कि XZ+, LUX और उसके बाद XZ+ एंड XM वर्जन इसके आ रहे हैं। टॉप एंड जो वेरिएंट है वो 16 लाख का इसका है, नेक्सन का इलेक्ट्रिक व्हीकल। ईवी विल बी द फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रॉम द स्टेबल ऑफ टाटा मोटर्स, ये नेक्सन इलेक्ट्रिक व्हीकल टू बी पावर्ड बाय इन हाउस डेवलप्ड जिप्ट्रॉन टेक्नोलॉजी। अब सबसे इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पे, जो जिप्ट्रॉन टेक्नोलॉजी है वो टाटा मोटर्स की इन हाउस डेवलप्ड है, बहुत ही बढ़िया बात। मतलब खाली गाड़ी ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक व्हीकल की टेक्नोलॉजी पे भी टाटा मोटर्स ने यहाँ पे काम किया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और साथ के साथ अगर मैं देख रहा हूँ जो चंद्रशेखरन जी का प्लान है, वो आने वाले टाइम पे टाटा मोटर्स को जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो यहाँ पे बैटरी की भी रिक्वायरमेंट होगी, लिथियम आयन एंड ऑल, तो उसके ऊपर वो टाटा केमिकल से काम करवा रहे हैं, वहाँ पे R&D उसकी चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छा फायदा हो सकता है पूरे के पूरे टाटा ग्रुप का, अगर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में मार्केट लीडर बनता है तो। अगर बात करते हैं नेक्सन के अलावा और कौन सी टाटा की गाड़ी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में आती है, आपने सुना होगा टाटा मोटर्स के टिगोर, बहुत टिगोर्स बिकी हैं और बहुत सारे ऑर्डर्स इसके पास हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में। और आने वाले टाइम पे जिस तरीके से सरकार का पुश है और ग्लोबल लेवल पे भी हम जब देख रहे हैं यहाँ पे कि पेट्रोल और डीजल गाड़ियों को साइड करके कंप्लीट इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट करना, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल नए सिरे से यहाँ पे जो आ रहे हैं, और अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी जो जिप्ट्रॉन टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। और इसके अलावा यहाँ पे जिप्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन है, साथ में इसमें जो परमानेंट मैग्नेट एसी मोटर, डस्ट एंड वाटर प्रूफ, लिक्विड कूल्ड लिथियम आयन बैटरी सिस्टम, देखिए लिक्विड कूल्ड लिथियम आयन बैटरी सिस्टम भी है। तो ये कहीं ना कहीं जो इनका चंद्रशेखरन जी का प्लान है पूरे के पूरे टाटा ग्रुप को अच्छे से जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल में लीडर बनाना, तो ये एक इम्पॉर्टेंट काम है। फिलहाल ये तो अच्छी बात है टाटा मोटर्स से रिलेटेड जो मुझे दिखा है। इसके अलावा मैं अगर आज के प्राइसिंग की बात करूँ टाटा मोटर्स के, आज के प्राइसिंग में जैसा आपने देखा भाई, मारुति ने जब आज इतना मतलब इतना बढ़िया रिजल्ट नहीं दिया, उसके बाद आप देख पा रहे हो कि टाटा मोटर्स लिमिटेड का शेयर, ये DBR का प्राइस है। मैं यहाँ पर टाटा मोटर्स के मेन स्टॉक को दिखाता हूँ, देखिए आपको किस तरीके से इसमें भी गिरावट देखने को मिली। आज 3% की पूरी गिरावट इसमें देखने को मिली, और मुझे लगता है कि थोड़ा सा और गिरावट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा और सस्ते में मिलेगा तो और बढ़िया। अब मंथली चार्ट से मैं स्टार्ट करता हूँ टेक्निकल की। टेक्निकल पे मैं हमेशा पूरा का पूरा आपका अपना फोकस रखता हूँ और कोशिश करता हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताने की। देखिए जिस तरीके से बड़ी गिरावट का इसने सामना किया, और मेरे हिसाब से अगर मैं कहूँ यहाँ पे
दो तीन महीनों में जंप जरूर आया। फिलहाल कंसोलिडेशन चल रहा है, एक बड़े जंप के बाद ये कंसोलिडेशन है। आप देख सकते हो कि बहुत टाइम बाद ऐसी रैली देखने को मिली है, जैसे कि सितंबर और अक्टूबर में स्टॉक में देखने को मिली है। बड़े लोगों ने यहाँ पे खरीदारी किया है, लेकिन जो लोग थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में होते हैं तो उन लोगों के लिए 240 का लेवल पार करना जरूरी है। लेकिन जो थोड़ा अटैकिंग मोड में होते हैं, अब वो लोग डिफेंसिव मोड मतलब थोड़ा सा आराम से खरीदेंगे, वह थोड़ा इस लेवल को पार कर लें, क्योंकि 240 का लेवल इसके लिए क्रिटिकल लेवल है मंथली चार्ट के हिसाब से मैं देख रहा हूँ अभी। लेकिन अब वीकली चार्ट पे चलिए, और एग्रेसिव एग्रेसिव मीन्स यहाँ पे देखिए स्टॉक ने अगर मैं देखूँ पिछले 2 वीक में एक गिरावट का इसने बिल्कुल क्लियर कट दिखाया, गिरावट दिखाया। लेकिन यहाँ पे मुझे जो लगता है कि अगर सपोर्ट मिलता है तो 160 के लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की हम उम्मीद करते हैं 160 के लेवल पे। लेकिन इस स्टॉक को साथ साथ अगर 160 के लेवल की सपोर्ट की आप उम्मीद करते हो तो इससे अगर नीचे जाता है तो एक क्रिटिकल फैक्टर ये हो जाएगा। इससे नीचे जाना एक क्रिटिकल फैक्टर मीन स्टॉक में गिरावट, इस सपोर्ट को तोड़ना मतलब थोड़ा सा और डर का माहौल। आप क्लियर कट देख सकते हो इस जोन में, 100 से लेके 140 की जोन में बहुत ज्यादा खरीदारी इस शेयर में देखने को मिली। मतलब इस शेयर का जो प्राइसिंग है, अगर 140 के आसपास जाता है तो वो खूब लोग इसको फिर से खरीदेंगे। तो ऐसा मुश्किल है कि 160 से ये नीचे जाए, लेकिन फिर भी अगर नीचे जाता है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में पड़ा हुआ है, इतना स्ट्रांग स्ट्रेंथ इसमें अभी नहीं देखने को मिला है। लेकिन अगर डेली चार्ट पर आप देखोगे तो एक मेन जो लाइन थी, यानी कि 200 डे मूविंग एवरेज की जो लाइन थी, उसको ये पार कर चुका है। इसीलिए कहीं ना कहीं 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास इसका स्ट्रांग सपोर्ट जोन आपको देखने को मिल सकता है। और जिस तरीके से स्टॉक ने 15 जनवरी को अपना पीक बनाया था 200 के रेंज में, और उस पीक को टच करने के बाद स्टॉक लगातार 1, 2, 3, 4, 5, एक दिन थोड़ा सा पॉजिटिव देखने को मिला, उसके बाद 3 दिन फिर नेगेटिव देखने को मिला, और आज की डेट में तो बड़ी लाल कैंडल देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं स्टॉक में गिरावट जरूर है। उम्मीद करेंगे कि हम इसी लेवल से ये बाउंस बैक हो जाए। क्यों? क्योंकि ये 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट लाइन है, और उसके साथ साथ जब पुराना ये पीक आया था वो वाली रेंज का भी सपोर्ट है। तो यहाँ पे दो तीन सपोर्ट लेवल है, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे जो पुराना पीक लेवल का ये जो पीक था इसका सपोर्ट, और साथ के साथ ये जो बीच में कंसोलिडेशन हुआ था दिसंबर के टाइम फ्रेम पे, वो वाला सपोर्ट, तो एक मेन सपोर्ट रेंज जरूर है ये। मैं कहूंगा कि 175 से 180 के बीच में ये रेंज में अगर कंसोलिडेशन होता है तो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट इसके लिए होगा। लेकिन अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो उससे नीचे जो है वो 200 डे मूविंग एवरेज की लाइन होती है। और जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि एक बार किसी स्टॉक में गोल्डन क्रॉसओवर बन जाए, गोल्डन क्रॉसओवर से मेरा मतलब होता है कि आपका ये देखिए, ये गोल्डन क्रॉसओवर जो यहाँ पे बना हुआ है उसको आप देख सकते हो क्लियर कट, ये वाला गोल्डन क्रॉसओवर, यानी कि जो 50 डे EMA की लाइन है वो पार करती है आपकी 200 डे SMA की लाइन को। ये 200 डे SMA की लाइन है ये वाली, और ये 50 डे EMA, ये गोल्डन क्रॉसओवर ऑलरेडी बन चुका है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी इस रेंज में आती है, यानी कि आपके 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जब सपोर्ट लेता है तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहलाती है। लेकिन अगर स्टॉक गिरते गए हुए 160 का ये 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेता है तो ये आपके लिए होगी डायमंड अपॉर्चुनिटी। फिलहाल पॉजिटिव मोमेंटम डेली चार्ट्स पर जरूर दिख रहा है, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि अगर जिस तरीके से यहाँ पे 180 के लेवल से गिर के स्टॉक गया था, ऑलमोस्ट 160 के लेवल पे, ये मान के चले 160 के लेवल पे चला गया था, 160 158 के लेवल पे चला गया था, और फिलहाल 200 रुपए के लेवल से स्टॉक गिर के अभी 176 रुपए के लेवल पे गया है। छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि किस तरीके से क्या लास्ट आवर में कुछ पॉजिटिव सेंटिमेंट दिखा है या नहीं दिखा है। ऑल्दो जो अच्छी बात यह है कि स्टॉक में अभी जो बड़ी न्यूज आई है वो इंपॉर्टेंट है। अब ये 15 मिनट्स का चार्ट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखिए किस तरीके से 15 मिनट्स के चार्ट में जब मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ तो आपको इतने छोटे छोटे अप डाउन देखने को नहीं मिलते। लेकिन 15 मिनट्स के चार्ट में आप जरा क्लियर कट देखिए कि स्टॉक ने जब 180 के लेवल से जो रैली लगाई थी बिल्कुल पीक पे, और पीक पे किस तरीके से मोमेंटम देखने को मिला था, हाई इसने बनाया, फिर आप देख पा रहे हो कि स्टॉक देखिए हाई नहीं बना पा रहा है, हाई नहीं बना पा रहा है। फिर से कोशिश जरूर करी लेकिन उस हाई के लेवल को पार नहीं कर पाया। इसका मतलब क्या है कि प्राइस रिजेक्ट हो रहा है बार बार इस पीक पे जाने के बाद। स्टॉक गिरा, नो डाउट गिरा, ये बॉटम पॉइंट टूटते ही स्टॉक गिरना था, और गिरा भी स्टॉक, यानी कि यहाँ पे लोग शॉर्ट करके पैसा कमा सकते हैं, यहाँ पे कमाया होगा लोगों ने शॉर्ट करके। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि कोई भी डाउन ट्रेंड आता है, जिस तरीके से अप ट्रेंड में ये हल्का सा डाउन साइड होता है फिर से अप ट्रेंड स्टार्ट होता है, तो वही डाउन ट्रेंड में यहाँ पे देखिए डाउन ट्रेंड आया, हल्का सा मोमेंटम देखने को मिला, फिर से डाउन ट्रेंड का मोमेंटम स्टार्ट हो गया। और लास्ट की अगर मैं बात करूँ, लास्ट के 15 मिनट 15-20 मिनट के जो ये देखिए आज के टाइम में थोड़ा पॉजिटिविटी जरूर देखने को मिली है, लेकिन अभी भी मैं कहूंगा कि स्टॉक में करेक्शन आ सकता है, बाकी कल की डेट में देखते हैं। और इलेक्ट्रिक व्हीकल का लॉन्च इसके लिए पॉजिटिव जरूर है, और अगर आपको ये स्टॉक मिलता है देखिए 160 से नीचे नहीं जाता और वहां पे आपको इस तरीके से पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिलेगा, वी शेप पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, तो बढ़िया है, उसके बाद आपको मौका जरूर मिल सकता है। चलिए देखते हैं, इंतजार करते हैं स्टॉक का 160 के लेवल तक आने का। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और उम्मीद करते हैं कि टाटा मोटर्स जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल का बादशाह बने
और अच्छे जो लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से उनको अच्छा रिटर्न मिले। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।